अच्छा लास्ट में मैं एक काम और करूंगा, मैंने रजिस्टर मंगाया हुआ है अराउंड 11:30 पे मेरे पास आएगा वो, तो जितने बच्चे इस बैच में हैं अभी तक उनमें से जिसने एक बार भी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी एक्टिविटी में वो मैं लिख लूंगा आज अपने पास। और कल जो एक्टिविटी होनी है, इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि अल्टरनेट डेज पे आपका क्लास है और अल्टरनेट डेज पे आपकी एक्टिविटीज हैं, राइट। तो एक दिन क्लास, एक दिन एक्टिविटी, फिर क्लास, फिर एक्टिविटी, इस तरीके से प्लान आउट किया हुआ है। तो पूरे 6 दिन आपकी लगातार क्लासेस हैं, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा आफ्टर क्लास आई थिंक जाएगा। तो उसमें ये करेंगे कि सबसे पहले उन बच्चों को एक मौका देंगे मॉक इंटरव्यू का, और मॉक इंटरव्यू के साथ साथ ही एक्टिविटी का भी, यानी टीचिंग का भी, माइक्रो टीचिंग का भी, ठीक है। और जो अभी फिलहाल है उस सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं जो देख रहा हूँ, तो कई सारे बच्चे जो माइक्रो टीचिंग करने आ रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना, पूरी क्लास को एंगेज कर रहे हैं, पूरी क्लास का एक तरीके से पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं हेजिटेट नहीं कर रहे। कई बच्चे हैं कि वो हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर वो आ रहे हैं तो इनिशिएट कर दे रहे हैं टॉपिक सीधे सीधे, मतलब यार लाइक कि भैया एक जिम्मेदारी मिली है पूरी करो निकलो यहाँ, राइट। वो अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल को प्रेजेंट नहीं कर रहे, दे आर नॉट ट्राइंग टू, यू कैन से उनका एफर्ट नहीं दिख रहा। आपको वहाँ पे क्या करना है, एफर्ट ही दिखाना है, है ना। आपको अल्टीमेटली जो काम करना है दैट इज व्हाट, कि आपको अपने एफर्ट्स दिखाने कि भाई आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग, आई एम अ गुड टीचर, आई कैन बी अ गुड टीचर, राइट। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जब आपको डेमो के लिए कहा जाएगा कि उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। और वो अभ्यास यहीं से होगा, इसी के लिए आप बैठे हो। तो यहाँ पे अगर आप उसको 100% सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हो, अगर जानबूझ के, तो फिर तो आप अपने साथ अपराध कर रहे हो, यू आर लाइक यू आर बीइंग क्रिमिनल टू यू योरसेल्फ। तो एक तो वो नहीं करना है। अगर कोई मान लीजिए नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है ना, तो उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि जब इंटरव्यू देने भी हम आ रहे हैं तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा लैंग्वेज है, स्पीकिंग है, ठीक है, उसको लेके, या फिर जो हमारा आई कॉन्टैक्ट है उसको लेके, या फिर जो हमारी लाइक हम बोल सकते हैं कि हैंड मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, उनको लेके, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चे भी तो मतलब आपस में थोड़े डिस्टर्ब से हैं, कन्फ्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक। और दूसरा क्या है कि कमियाँ भी हैं, कईयों में कमियाँ भी हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम उस पर शुरू में आज फोकस करने की जरूरत है हमें, जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपकी साइड से वॉलंटियर पार्टिसिपेशन मुझे बीच बीच में जब चाहिए होगी तो मैं आपसे बोलूंगा, आप उसमें आके पार्टिसिपेट करोगे, क्लियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ओवरऑल जो हम कहते हैं कि भाई इंटरव्यू इज व्हाट, इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, नहीं, हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार क्या है, हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये हमारा टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है। अब अगर ये टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये पर्सनालिटी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, नहीं, व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन सी चीजें हैं जो कि मिलके हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को क्रिएट कर रही हैं, क्लियर हुआ। उस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आप देखोगे कि भाई अगर हम किसी भी व्यक्ति की या अपने आप की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें पर्सनालिटी में हमारे क्या आता है, सबसे पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, शारीरिक भाषा, क्लियर हुआ। सबसे पहला जो एक, जैसे मान लीजिए कि आप जब भी किसी से भी मुखातिब होते हो, जब भी किसी नए व्यक्ति से आप मिलते हो, तो सबसे पहले तो वो आपकी बात तो सुनता नहीं, सबसे पहले आपको देखता है, सबसे पहले आप उसके साथ हाथ मिलाते हो, सबके साथ आप उसको हाय बोलते हो या उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करते हो। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप बात करना स्टार्ट करते हो। तो एक तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो कौन सी चीज लेके आएगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज लेके आएगी, क्लियर हुआ। और इसी बॉडी लैंग्वेज के अंदर जब हम जाएंगे तो अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज बंदा हमारे में क्या देखेगा, हमारा रेसिंग सेंस देखेगा, हम अंदर घुसेंगे उसके पहले ही देख लेगा, या फिर जब हम गेट पे खड़े होंगे तभी देखेगा, या फिर जब बाहर बैठे होंगे तब भी इंटरव्यूअर अगर कमरे में जा रहा है तो सबको देखते हुए जा रहा है कि भाई ये लोग आए हैं आज इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, और ये अभी मेरे पास अंदर करके एक एक करके आएंगे कमरे में। तो वहाँ पे भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे की जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत प्रॉपर है, बहुत बढ़िया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी निगाह में आ जाएगी। या किसी की एकदम से ऑड है, मतलब कि इंटरव्यू जो हमारा है टीचिंग का, अगर मान लिया जाए तो उसके विपरीत है, है ना, उससे बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, तो वो भी दिमाग में उसके आ जाएगी, चढ़ जाएगी, और वहां से ही वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा आपको कि यार ये क्या पहन के आ गया, ये इंटरव्यू देने आया। मान लीजिए अगर मैं जींस पहन के चला गया, जींस में मैंने यहाँ पे बढ़िया कटिंग वटिंग करा रखी है ना, धागे वागे झुला रखे, ठीक है, तो सारा डूबनेस जो मेरा है वो डूबनेस उसको देख गया, और हमें वहां पे डूब तो बनना नहीं है, हमें वहां पे क्या बनना है, टीचर बनना है,
तो ये चीज क्या होगी कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पिंच करेगी, उसको हिट करेगी और वो चीज फिर वो परसेप्शन लेके चला जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, कि आपके बारे में इंटरव्यूअर पूरे इंटरव्यू के दौरान क्या परसेप्शन बनाता है, उस परसेप्शन के बेसिस पे मार्क्स देगा। क्वेश्चन वाइज मार्क्स बटे हुए नहीं है कि भाई 60 नंबर है तो 20 एमसीक्यू पूछना है उसको तीन तीन नंबर के, ऐसा तो नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारा परसेप्शन बनेगा वही ओवरऑल परसेप्शन हमारे अंक हमें दिलवाएगा, राइट। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या आ जाएगी, हमारी ड्रेसिंग सेंस। इसके बाद दूसरी चीज क्या है इसके अंदर देखा जाए, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। ड्रेसिंग सेंस के बाद जब हम इंटर कर जाते हैं तो सबसे दूसरी बात हमारी क्या हो जाती है कि हम उनके साथ पहला, जो हम बोलते हैं ना कि पहला इंटरेक्शन हमारा क्या है, फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। अब फर्स्ट इंटरेक्शन में क्या होता है, हम गुड विशेस शेयर करते हैं किसी को, राइट। हम किसी को जो है ग्रीट करते हैं, जैसे किसी को ग्रीटिंग्स जिसको हम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, या हैंडशेक करते हैं, व्हाटएवर, जैसा जो इंटरव्यू है उसके हिसाब से। अगर आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में जाते हो, किसी जॉब के लिए जाते हो, किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए, लाइक आपको जॉब करनी ऑफिस की कोई, है ना, प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो, तो वहां पे जनरली क्या होता है कि भाई हैंडशेक होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो प्राइवेट वर्किंग कल्चर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का काम करने का संस्कृति है, वहां पे जनरली ये चीज होती है कि वहां पे सीनियर जूनियर जैसा कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होता। इवन वहां पे जो बॉसेस होते हैं वो भी अपने नाम के आगे सर या मैडम पसंद नहीं करते। वहां पे क्या होता है डायरेक्टली, आप देखो जैसे जेन फैक्ट है, उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो जेन फैक्ट में जो उनके मतलब सीएमडी हैं, ठीक है, प्रमोद भसीन साहब, कभी कभी प्रमोद भसीन साहब जब टीम मीटिंग में आते थे तो उनको भी सर पसंद नहीं था। अगर किसी ने बोला हेलो सर, हु इज सर, सेमी प्रमोद, आई एम नॉट दैट ओल्ड, ओके, इस तरीके का, कि भाई तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो, मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, प्रमोद बोलो मुझे, तो फिर बोलते थे हेलो प्रमोद, हाय राहुल, कैसे हो। तो मतलब क्या है कि वहाँ पे वो पसंद नहीं करते कि आप उनको सर मैडम बोलो या बहुत नमस्ते वमस्ते करो, ठीक है, फेयरवेल छो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हम जाएंगे तो हम हैंडशेक कर सकते हैं, हम उनको ऑफर कर सकते हैं हैंडशेक करना। बट जो हमारा स्कूल कल्चर है, और उसमें भी कौन सा प्राइवेट सेक्टर स्कूल कल्चर नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, तो यहाँ पे जनरली एज अ टीचर हम जा रहे हैं तो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे से, या हम जो बच्चे में आदतें डालने वाले हैं, वैसी आदतें हमारे अंदर भी होनी जरूरी है, तभी तो हम आइडियल बनेंगे उसके लिए, तभी तो हम उसके लिए आदर्श बनेंगे या मॉडल बनेंगे, ठीक है, एक रोल मॉडल बनेंगे कि भाई वो हमें फॉलो कर सके बच्चा। तो इसलिए यहाँ का जो होगा हमारा अभिवादन वो अलग तरीके का होगा, उस प्राइवेट कल्चर वाला अभिवादन यहाँ पे नहीं होगा। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रीटिंग्स या अभिवादन, एक हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी का हमारे या बॉडी लैंग्वेज का अभिवादन, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेशभूषा, भूषा मतलब खाने वाला नहीं, ओवरऑल दोनों एक साथ मिलाना है, वेशभूषा, ठीक है। योगी कौन सा शब्द है ये, इसको कौन सा शब्द बोलेंगे वेशभूषा को, युग्म शब्द है ना, क्या बोलेंगे, युग्म शब्द, ये एक साथ इस्तेमाल होता है ना, भाई तुम्हारी वेशभूषा कैसी है, अगर सिर्फ भूसा भूसा बोल रहे हैं तुम्हारा भूसा कैसा है, तो इसका मतलब क्या उस सेंस में आएगा जिस सेंस में हम चाहते हैं, नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शब्द युग्म या युग्म शब्द, यानी ऐसे दो शब्द जिनको कि हमेशा एक साथ बोला जाता है तो ये अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, अन्यथा अगर अलग बोला जाएगा तो अर्थ व्यक्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेशभूषा क्या है, युग्म शब्द है, सार्थक युग्म शब्द है, जिसको मिलाकर एक नया अर्थ बनता है। तो ये हो जाएगा ग्रीटिंग्स का पार्ट। दूसरा, तीसरा पार्ट देखें, एक स्टेप बाय स्टेप चले हम। अब आपने ग्रीट कर लिया, आप बैठ गए, तो बैठते ही आपका क्या ऑब्जर्व होगा, आपका पोस्चर ऑब्जर्व होगा कि आप बैठे कैसे हो, क्लियर हुआ। अब इंटरव्यू में हम जा रहे हैं, उन्होंने बोला जी, मैंने बोला मैं सीट सर, हाँ जी हाँ जी बैठिए बैठिए, आपने के लिए, ठीक है सर, दिस इज द वे टू सीट, सबको दिख रहा है। एक तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है मैं आया ये भी हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, हाँ जी सर मतलब सामने टेबल है तो मैं और थोड़ा कुर्सी पर तो उनके करीब लेके आया, टेबल पे हाथ रख के बैठ गया, एक तरीका हो सकता था मैं एकदम हाँ जी सर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लग रहा है आपको ऑड लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है, या फिर जैसे बताइए सर ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। क्या ये फॉर्मल तरीका है बैठने का, नहीं है, या पूछो जी के पूछने जा रहे हो नहीं। अब मेनली प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे कल थोड़ी सी इनपुट्स मिले हैं गोविंद सर से भी,
कि खासकर हम जो बच्चे हैं नरेला साइड के, अलीपुर साइड के, या वेस्टर्न यूपी के, मतलब मुजफ्फरपुर नगर के, मेरठ के, या इधर के अपने बिजनौर साइड के, या थोड़ा हरियाणा पूरा ही है ना यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, बिजनौर है, मेरठ है, ये तो भतीजे हैं, चाचा जी तो हरियाणा में है ये तो भतीजे हैं, इनसे सीखा है हमने कुछ। वहाँ पे थोड़ी सी क्या दिक्कत आ रही है कि हम हेसिटेट कर रहे हैं ज़्यादा, या फिर कि हम कैसे अपने आप को कॉर्पोरेट करें, हर एक चीज़ को कैसे हम असिमिलेट कर लें, आपस में गड़बड़ हो रही है, हम एक पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से दूसरा निकल रहा है, हम दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो पहला निकल जा रहा है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा हमें फोकस करना है। तो गोविंद सर ने पास बोला कि भाई थोड़ा सा ध्यान दो, आप इस चीज़ पे दो, एक सेशन इस पे भी करो, हमने चलो ठीक है करते हैं, वैसे तो ये करना था हमें इंडिविजुअली जब हम मॉक लेते तब, बट अभी से करेंगे तो और बढ़िया, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि अब जो अगला इंटरेक्शन होगा मेरा वो कैसे होगा, मेरे बैठने के नज़रिए से, अब उसमें फिर क्या होगा कि भाई हमें ऑब्वियसली आप देखोगे कि सबसे अच्छा जो तरीका है जॉब इंटरव्यू में बैठने का, दैट इज़ व्हाट, कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो आपका बैकबोन है, वो हमेशा स्टिफ होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या झुकाव होना नहीं चाहिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अकड़ के भी नहीं बैठना और बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के भी नहीं बैठना, दैट शुड बी स्टिफ, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्लियर, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपके पैरों, और ये पैरों के बीच में आप ऐसे भी नहीं, ये भी देखना है कि दिस इज द, ये जो गैप है ये बेकार लगता है, भद्दा लगता है, राइट, तो हमें क्या करना है इतना, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा गैप हो, और ऐसे बैठ, लड़कियों के लिए बेसिकली क्या है, लड़कियों के लिए जनरली ट्रेन किया जाता है मैनर्स में कि पैर पे पैर रख के वो बैठ सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा ये ध्यान रख सकती हैं कि हल्का सा ये फोल्ड करके बैठे, बहुत ज़्यादा एक के पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या होता है कि आपका पैर ऐसे आएगा और कोई हो सकता है कि साइड में आपका इंटरव्यूअर बैठा हो, तो वो पैर सीधे सीधे उस साइड वाले इंटरव्यूअर के सामने जाके आपके सैंडल का साइज दिखा रहा हो और उसको पता चला आपसे हो गई खुन्नस की भी आपका सैंडल अच्छा दिख रहा है, उसका खराब दिख रहा है, तो ये भी बड़ा समस्या है लड़कियों में, है ना, कि ये दूसरे की चीज़ ज़्यादा महंगी कैसे होगी, ज़्यादा ब्रांडेड कैसे होगी, ये भी समस्या है। एक तो वो मैं लाइट नोट पर बोल रहा हूँ, बट ये अच्छा तरीका नहीं है ना, यू शुड नॉट बी लाइक, आपके जो शूज़ हैं, आपके जो चप्पल्स हैं, आपके जो आपका जो पैर है ना, फुट है आपका, वो किसी की तरफ ओरिएंट करके नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी एक एटिकेट है। जब आप मेट्रो में जैसे बैठते हो, कई बच्चे होते हैं, कई लोग बैठे होते हैं कैसे ऐसे आराम से, नहीं पैर फैला के, अब जो चलने वाले होते हैं उनको तकलीफ हो रही होती है, जब आप खड़े होते हैं वहाँ पे हाथ पकड़ के, तो आपको बुरा लगता है, नहीं लगता ये चीज़ कि भाई आराम से बैठ ले यार, अंदर पैर करके बैठ ले, ऐसे कैसे फैल के बैठा हुआ है, ऐसे बैठ ले, नहीं अंदर कर ले पैर अपना, तो इसलिए फिर क्या होता है, आप जब बैठते हो ठीक तरीके से बैठते हो तो पैर अपना अंदर करके बैठते हो, या तो सीधा करके बैठते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा फैला के नहीं बैठते, क्लियर हुआ, तो यही एक मेनली एटिकेट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से ऐसे बैठ सकते हो। हाँ, अब जब से नॉर्मली आप जब जाके बैठोगे तो ऐसे बैठोगे, अब जैसे जैसे आगे कन्वर्सेशन बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी, तो थोड़ा सा मूवमेंट आपके बॉडी में भी होना जरूरी है, ये ना लगे कि आर्टिफिशियली आपको लाके बैठा दिया गया है, नहीं, और आपके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से बाहर निकाल ली गई है, ऐसा भी ना लगे कि वो खड़ी ही रहेगी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप जिसे आंसर दे रहे हो तो कोई बात आपको महत्वपूर्ण कहनी है तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, हल्का सा झुक सकते हो, मतलब 65 डिग्री आप लीन कर सकते हो, 45 डिग्री नहीं लीन करना है, बट हाँ बिलो 45 डिग्री और 90 डिग्री से नीचे आप जाके बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि भाई लाइक कि आप अभी तो बोल नहीं रहे हो ना, आप क्या करो, ओके सर, हाँ जी सर, ओके सर, मतलब जब वो बोल रहे हो तो हम उनको रिस्पॉन्स करो, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ और आप जब सामने बैठे थे सुन रहे हो, तो आपकी साइड से हल्का सा अगर लीन आया तो ये क्या शो करता है मुझे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यू आर बीइंग इन्वॉल्व इन माय कन्वर्सेशन, आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, नहीं तो आप ऐसे ही बोलो जी जो बोलना है बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ी ना सुनने वाले हैं आपकी, हम तो पहले से मान हैं, आप प्रिंसिपल बन गए होंगे ऐसे वैसे, नहीं ये चीज़ वो शो करेगी, लेकिन जैसे ही हम हल्का सा लीन होंगे जब वो बोल रहा है और फिर जैसे उसने बोल के खत्म करी बात, हम फिर से वापस आ गए अपनी जगह पे, तो ये जो मूवमेंट दिख रहा है उसको ना, ये क्या करता है, ये आपके बारे में एक अच्छी इमेज बनाता है उस बंदे की नज़र में कि यार मैं जो बोल रहा हूँ इसको ये ध्यान से सुन रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, और बिना बोले भी बहुत सारे कन्वर्सेशन आपकी और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बीच में होने लग जाएंगे ऐसी चीज़ों से। वैसे जब आप बोलना शुरू करोगे तो जो अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात है जिस पर आप ज़्यादा जोर देना चाहते हो तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ के बोल रहे हो उस बात को, फिर आप सीधे हो जाते हो, तो ये थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हमें लीन नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करना पीछे की तरफ, ठीक है, स्ट्रेट रहना है ऑलमोस्ट, मतलब पूरे इंटरव्यू के दौरान 80% हम क्या करेंगे कोशिश कि हम सावधान अवस्था में बैठे रहेंगे, लेकिन 20% टाइम जब हम बात कर रहे होंगे या जब बात सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा लीन करते हुए बातचीत करेंगे, तो वो एक पोस्चर होता है। तीसरा जो एक मेन इम्पॉर्टेंट एंगल है वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा और अच्छे से,
यानी कि बैठने की स्थिति, बैठने की स्थिति या पोजीशन जिसको हम कहते हैं। क्लियर हुआ?